हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। तो ये देखो जी, रूही कन्नू की हो गई इधर लड़ाई, इधर बन रही है जी टी। तो इधर हो गई जिनकी दोनों की लड़ाई आपस में, क्या चाहिए फ्रेंड्स। इधर रूही कन्नू पी रही है जी चाय। हाय करा कंजे, कैसे लड़ रही है दोनों? वो ले ले, इसको दे दे बिस्किट, दे दे बेटा वो दे दे। तो बिस्किट के पीछे लड़े जा रही है जी। तो आज का दिन फ्रेंड्स ऐसे गया, चला गया जी। साफ सफाई, सुबह हम लेट उठे, इतना सो के फिर साफ सफाई की जी, कपड़े कुपड़े धोए। दे दे बेटा आधा दे दे। बैठे जी इनके पापा टीवी देख रहे जी मैच। दे दे कन्नू दे दे। तो आपके बच्चे भी कैसे लड़ते हैं जी चीजों के पीछे। दोनों को देती हूँ आधा आधा, दोनों ही चीज के पीछे लड़ रही है जी। आधा आधा चीज दे देती हूँ इनको। दोनों कैसी लड़ रही है जी। देखो जी, बोलो कन्नू, बताओ बेटा कहाँ पे ए लिखा है, बताओ जल्दी। आगे क्या लिखा है? बी। कहाँ पे बी? आगे जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी। तो आपको गुड मिलेगा, आपको सारा आता फिर मैं तब मैं। चलो इसको इसको रहने दो बेटा अभी। चलो पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ाओ। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ए वाई जेड। वेरी गुड, काव्य को तो सारा आता। ये पढ़ो, ये क्या लिखा आपने? अशा अनार आशा मिशे इमले इसे एक उश उल्लू उशुन ऋषि ऋषि ऐसे एरी ऐसे अनक ओश ओखले ओश औरत अंकिंगर। हाँ असे आहा, वाओ ये क्या है? कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे करी नखली जैसे चम्मा जैसे छटरी जैसे जिला जैसे जंजा नखली। वेरी गुड। दसे टमाटर दसे थतेला दसे ढोलक दसे नो दसे डमरू ये ढोलक ढो ढोलक दसे ढक्कन ढक्कन अना खाली अना खाली। दसे तरबूज दसे तरबूज खसे खरमस दसे रबात दसे धनुष दसे धनु नसे नल नसे नल। वेरी गुड, वाओ काव्य को तो सारा आ गया। काउंटिंग भी आती है आपको? चलो सुनाओ क्या लिखा आपने। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव जाओ अपनी कॉपी लाओ जिसका आपका टेस्ट है जल्दी जाओ। ट्वेंटी नाइन थ्री थर्टी थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री थर्टी थ्री थ्री फोर थर्टी फाइव थ्री सिक्स थर्टी सिक्स थ्री सेवन थर्टी सेवन थ्री एट थर्टी एट थ्री नाइन थर्टी नाइन फोर जीरो फोर्टी। वेरी गुड, क्लैपिंग करो काव्य के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये लगाया था मैंने पॉन्स का है जी, पॉन्स बीबी प्लस क्रीम। ये लगाना है जी आपने पहले फेस पे कुछ लगा लेना आपने, फिर उसके बाद लाइट मेकअप करो। तो इससे इतना ज़्यादा ग्लो आता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स। आपको कुछ भी आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये लगा लो जी। फिर आपने क्या करना है जी, इस स्पंज से आपको ऐसे लगा लेना जी फेस पे इसको, फिर इसके साथ लगाना है जी स्पंज। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको इजी 50-60 रुपए का मिल जाएगा फ्रेंड्स दुकानों से। तो मैंने इससे अभी ये निकाला नहीं है जी, मैं बाहर निकालूंगी तो ये ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इससे लगाना है जी। फिर आपने ये छोटी सी डब्बी ले लेनी है फ्रेंड्स, तो इसमें है जी पूरा मेकअप का, क्योंकि छोटी छोटी डब्बियाँ। ये देखो जी आईज मेकअप, और ये नीचे है जी फेस पाउडर जो आप बाद मेकअप करने के बाद लगा सकते हो आप फ्रेंड्स। छोटी छोटी डब्बियाँ लेके रखिए जी, इसे ब्रशिंग वगैरह कर सकते हो आप। ये है जी आईब्रो की वो ब्रशिंग के लिए, ये ऊपर से कर सकते हो फ्रेंड्स। इससे करना जी आपने राइट, जितना भी करना जी लाइट लुइट और लिपस्टिक। मैंने ये लगाई थी जी ब्लू हेवन की लगाई थी जी, ये आ जाएगी आपके 120-130 रुपए की आ जाएगी कुछ जी आराम से। तो अब सिंपल है जी, तो ये मैंने काज ऊपर से आईलाइनर लगाया था जी, ये ब्लू हेवन का है जी आईलाइनर। ये 50-60 रुपए का आराम से आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स कहीं पे भी।
जो ऊपर से आईलाइनर लगाया था जी, ये देखो जी गुलाब जल, इससे आपने पहले फेस धो लेना है जी अच्छे से। तो ये है जी ऊपर से जो आईब्रो ब्रश होता जी, मस्कारा। वाह वेरी गुड, कन्नू को भी पता है जी मस्कारा। ये है जी मस्कारा, ये भी ब्लू हेवन का है जी मेरे पास मस्कारा। इसका भी मैं आपको रेट दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, कितने रेट है। तो इसमें कहीं रेट ही नहीं मुझे दिख रहा है फ्रेंड्स, होगा जी 50-60-70-80 रुपए का होगा जी ब्लू हेवन का। तो मेरे पास सारी ब्लू हेवन की ही चीजें हैं जी। तो ये है जी वो जो होता है जी काजल होता है जी, जो वाटरप्रूफ काजल है, ये आपको मिलेगी जी 120-30 रुपए की, लैक्मे की 20-30 रुपए की आराम से मिल जाएगी आपको जी। ये होता है जी वाटरप्रूफ। ये है आईब्रो पेंसिल जी, ये मिल जाएगी 50-60 रुपए की जी आराम से आपको। तो फ्रेंड्स ये मैंने मीशो से मंगाया था जी सेट, एक सेट ये मीशो से जी है मांग टिक्का, ये है कान के झुमके, ये है गले का जी पूरा मोती का है जी। ये मेरे को पड़ा था जी 350-400 का कुछ, आराम से आपको पड़ जाएगा फ्रेंड्स। तो और भी दिखाती हूँ जी, मैं और भी ज्वेलरियाँ मंगाई थी फ्रेंड्स जी, सारी ये मीशो से मंगाई हुई है जी। नहीं जी ये मीशो से मंगाई है फ्रेंड्स, ये मैं बाज़ार से लेके आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो ये बहुत ही अच्छा सेट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैं शॉप से लाई थी जी, ये वाला मैंने आपको ये वाला जी मैं ये यहीं से ली थी जी, ये 450 का सेट आया था फ्रेंड्स। ये रख दो बेटा अभी। तो ये देखो जी ये इसका है जी मांग टिक्का, ये इसके कान के झुमके हैं जी, ये गले का है जी, ये मल्टी कलर है जी, किसी के साथ भी आप पहन सकते हो फ्रेंड्स। तो ये मैंने शॉप से लाई हूँ जी, और ये वाला मैंने मीशो से मंगाया था जी, ये भी मैं शॉप से लाई हूँ, और ये वाला भी मैं गोल्डन कलर का मैं फ्रेंड्स शॉप से लाई हूँ। इसका वो ऊपर का टूट गया है जी, ये इसको वापस ले जाना पड़ेगा जी वहीं पर। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, ये वाला हो गया है जी। तो मैं दूसरे ये वाला दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी लाई थी जी मैं शॉप से, बहुत ही गोल्डन कलर में है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है जी, बहुत ही अच्छा। ऊपर से क्या टूट गया ये, तो ये इन बच्चों ने पता नहीं ऊपर से क्या किया है जी। तो ये हैं जी इसके कान के झुमके, दो बटा इसको मम्मी इसको क्या बोलते ये है फ्रेंड्स, इसका मांग टिक्का बहुत ही छोटा सा मांग टिक्का है जी, ये है जी इसका झुमके, ये झुमके हैं मांग टिक्का झुमके। तो बहुत ही अच्छा सेट है फ्रेंड्स, 3 सेट मंगाए हैं थे मैंने, तो ये 2 सेट दुकान से लिए हैं जी मैंने गोल्डन के। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो जी, ये देख सकते हो आप, बहुत ही है ना, ज़्यादा हैवी है, देखने में हैवी लग रहा है फ्रेंड्स, पर ये है इतना हैवी नहीं है जी। यहाँ से बच्चों ने थोड़ा सा टूट गया है जी, इतना हैवी नहीं। तो ये देखो जी इसका मांग टिक्का भी छोटा सा है जी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है जी इसका मांग टिक्का, ये क्या बोलते हैं, ये है जी उसके दूसरे का मांग टिक्का। तो उसको भी मैं सबसे अच्छा मुझे फ्रेंड्स ये वाला लगता है, मैं आपको दिखा ही देती हूँ जी, ये है जी मल्टी कलर में सबसे अच्छा है फ्रेंड्स। तो ज्वेलरियाँ जी तो मैं पहनती हूँ नहीं ज़्यादा, ये देखो जी मैं कब पहनूंगी। तो मैंने सारा सामान जी इसमें रख दिया है, टोकरी चीज ने लगाई है। तो फ्रेंड्स मेरा ज़्यादा मेकअप नहीं होता है जी, छोटा मोटा होता है, तो ये मैंने इसमें रखी है जी सारी ज्वेलरियाँ, ये मैंने इसके लिए पैकेट सा बनाया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड मैंने सारी ज्वेलरियाँ रख दी हैं जी, इसमें आप देख सकते हो, इसमें रख दी हैं जी, तो मेकअप मेकअप का इसमें रख दी जी, ब्रश व्रश मैंने सारी इसमें रख दी, डब्बे बनाई हैं फ्रेंड्स। तो कल ये सारा खलारा पड़ गया था जी, तो मैंने समेट के रख दिया है फ्रेंड्स। तो ये देखो जी हल्का सा मेकअप है जी, कितना अच्छा हुआ था, मेरे पास इतनी चीज़ें भी नहीं हैं जी, बहुत ही हल्का मेकअप था और बहुत ही अच्छा हुआ था फ्रेंड्स कल। तो ना ज़्यादा हैवी लग रहा था जो मुझे बताना जी कि हैवी मेकअप लग रहा था, तो मैंने आपको बता दिया जी क्या लगा था, बीबी प्लस क्रीम थी जी वो। तो मुझे बताना जी क्या ज़्यादा मेकअप हैवी लग रहा था कल क्या जब मैंने रील बनाने के लिए। तो ये देखो जी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब करते हैं जी डिनर की तैयारी, मैंने आपको दिखा दिया है फ्रेंड जो मेरे पास था जी अवेलेबल, आप भी अगर आप इधर मैंने तेल चढ़ा दिया, इधर मैंने प्याज और लहसुन टमाटर वगैरह काट के रख दिया, इधर मैंने आटा रख दिया जी भूनने के लिए, इधर मैं बनाऊंगी जी पनीर भुर्जी और फटाफट तो मैं आपको दिखा दूंगी फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में। तो मैंने आपको रेसिपी तो दी है जी सिंपल तरीके की, तो आप तो मैंने प्याज फ्रेंड्स इसमें डाल दिए हैं जी, तो मैं बनाऊँगी जी पनीर भुर्जी। तो इधर मैं टमाटर काट लेती हूँ फ्रेंड्स छोटे छोटे टुकड़ों में,
आजकल बरसातों में जी टमाटर वगैरह भी ऐसे ही आ रहे थे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी। पता नहीं बरसात करके जो बाढ़ बूढ़ आ रही है फ्रेंड, उस करके महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फ्रेंड इधर मसाले हो गए जी ऐसे, और इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया जी प्यार। इधर मैंने बर्तन भांडे धो लिए जी सारे फ्रेंड्स, तो क्योंकि ये गुस्सा बहुत करते हैं अगर बर्तन भांडे धोने को रह जाते हैं। इधर रख दिए हैं फ्रेंड्स धो धा के, तो इधर इसको घड़ी को ढक देते हैं फ्रेंड्स। तो आटा गूंद गांध के हो गया जी प्यार। इधर मसाला लगा लिया पकने को, फिर तब तक मैं करती हूँ जी पनीर को। फ्रेंड इधर पनीर को अपने से मैश कर देना, मैं हाथ से ही करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि अगर वो कद्दूकस से करते जो उसमें ऐसे ही फंस जाता है, तो इसे ऐसे हाथ से स्वाद बनता है, थोड़ा मोटा मोटा सा रहता है, तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये करने में। तो इधर मेरा मसाला पक रहा है जी, तब तक पकने देते हैं। तो इसमें प्याज ना लंबे लंबे काट देना फ्रेंड्स आपने, और खुला प्याज होना चाहिए फ्रेंड्स पनीर भुर्जी में। आप इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, अगर आपने कैप्सिकम कर डालनी है फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है फ्रेंड्स, कैप्सिकम को पहले आपने फ्राई कर देना तेल के अंदर, नहीं तो कैप्सिकम कच्ची रह जाएगी आपकी। मेरे पास है नहीं है इस टाइम फ्रेंड्स, तो मैं सिंपल प्याज टमाटर पनीर भुर्जी बनाऊंगी फ्रेंड्स, फिर भी बहुत अच्छी बनती है जी ऐसी। तो आधा किलो पनीर लाए थे फ्रेंड्स, तो आज अच्छी खासी पनीर भुर्जी बनेगी, क्योंकि बच्चे खुशी से खाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं पनीर भुर्जी बनाती हूँ। येलो दाल भी पड़ी है फ्रेंड्स, और अपने हाथ में पनीर भुर्जी हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो इससे हो जाएगा जी सबके लिए, आधा किलो पनीर से हो जाता है। तो ये मोटा मोटा रखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ना इसका फिर बहुत ही अच्छा वो बनता है। तो बनाते हैं जी। फिर मैं दूसरी साइड बनाऊंगी जी रोटी, बच्चों को लग जाती है जी भूख जल्दी से। आज का दिन तो ऐसे गया जी, बस देख मस्ती खेल कूद में इनका पढ़ा पढ़ाई पढ़ाई में ही दिन चला गया फ्रेंड्स आज। तो पहले तो हम लेट उठे सो के, फिर सब वैसे ही रोटी पानी बनाने लग गए थे, उसके बाद वैसे ही फिर लग गए जी खाना खुना बनाने, फिर फ्रेंड लग गए जी इनको पढ़ाने। तो बस जी अकेले अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड जी अभी मसाला पक रहा है, तब तक मैं इधर बना लेती हूँ जी रोटी। तो फ्रेंड इसमें मैंने हल्दी नमक गरम मसाला वगैरह सारे ऐड कर दिए हैं। अभी थोड़ा मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि इसमें ना टमाटर नहीं गल रहे थे फ्रेंड, क्योंकि टमाटर आ रहे हैं कच्चे कच्चे इस बार, तो ये गलने में ना थोड़ा परेशान करके मैंने फ्रिज में रख लिए थे गलती से। तो ये थोड़े से अभी ऐसा हो गया, जब तेल निकलना शुरू हो गया फिर मैं इसमें पनीर, तो इधर मैं बनाना कर दिया जी रोटी बनाना स्टार्ट फ्रेंड्स। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं जी, कि जल्दी जल्दी खाना खाते हैं फ्रेंड्स। आप भी आ जाओ फ्रेंड्स डिनर करने, आप भी कर लो डिनर। तो आपको मैं एक बार दिखाऊंगी जी कैसे बनेगी ये। तो फ्रेंड्स ये बन गई है जी मेरी पनीर भुर्जी, आपको दिखते जी वाओ यम्मी यम्मी। तो ये बन गई है जी पनीर भुर्जी। इधर मैंने बना ली है जी रोटी, तो इधर रोटी भी पापा के लिए बन गई है जी सिंपल रोटी। हम बनाएंगे जी अपने लिए परांठिया, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे जी सिंपल रोटी, क्योंकि घी हो गया है जी ख़त्म, फिर मलाई भी जमा हो गई है, घी बनाने वाला भी हो गया है फ्रेंड्स। तो करते हैं जी डिनर, अब इनको बच्चों को दे देती हूँ, पहले परांठिया बना देती हूँ फ्रेंड्स। आप भी आ जाओ फ्रेंड्स डिनर करने, तो आप भी खा लो, फिर हम भी खा लेते हैं फ्रेंड्स। तो एंड यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।